जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस आती है तो उस क्राइसिस के बाद सस्ते सामान, सस्ती कमोडिटी की रिक्वायरमेंट और डिमांड बढ़ती जाती है। हमने ये देखा था कि जब यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में खाद्य उत्पादनों की कमी पड़ी थी तब भी ऐसी स्थिति आई थी। 1970 के दशक में जब ऑयल क्राइसिस और कमोडिटी क्राइसिस आई थी तब भी यही स्थिति बनी थी। उस समय ऑयल और सस्ती कमोडिटी की डिमांड थी, मिड 19th सेंचुरी में जो खाद्य उत्पादनों की डिमांड थी, और यदि हम कोरोना काल में देखें तो डिमांड रही मेडिकल सप्लाईज की, डेटा चिप्स की, वैक्सीन्स की, साथ में रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, और आज भी जो डे टू डे के उत्पादन है, डे टू डे की जरूरत की चीजें हैं, उसमें सस्ती चीजों की डिमांड बढ़ती है किसी भी क्राइसिस के साथ, बड़ा स्वाभाविक विषय है। और जैसा कि इसका हल था, चाहे वह 1840 के दशक को देख लें, 1970 के दशक को देख लें, तो इसको जो एड्रेस किया गया था वह किया गया था ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। और यदि आप कोरोना काल को ही देखें तो सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या हुई है, वह कोविड 19 का वैक्सीन हुआ है। कोविड 19 का वैक्सीन भी जो है कोई भी मुल्क जिसने बना लिया वह भी, और जो दूसरों से मंगवा रहा है वह भी, अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 30 देशों की सप्लाई से लगभग 3000 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो आप सोचिए कि 30 देशों की जटिल चेन है और उसमें कच्चा माल लगता है, तब जाकर वह देश जिसका खुद का फॉर्मूला है, जैसे भारत के पास फॉर्मूला है खुद का, ग्रेट ब्रिटेन के पास फॉर्मूला है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास फॉर्मूला है, लेकिन उनको भी दूसरों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के मॉडर्न युग में अकेला कोई भी देश जो है वह पूरी तरह से जो सक्सेस के पैमाने हैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। यदि सपोज करो कि एक किसी निर्णय को उसने बहुत अच्छी तरह से कर लिया, जो कि बाय चांस कर लिया, जैसे कि जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी की जो टेस्टिंग रिकॉर्ड्स रहे कोविड 19 के बहुत अच्छे रहे, लेकिन दूसरी चीजों को जर्मनी हासिल नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अकेला देश, कोई भी देश हो दुनिया का, उसकी कैपेसिटीज होती है, कैपेबिलिटीज होती है, बड़े देशों की ज्यादा होती है, जैसे भारत की बहुत ज्यादा है, अमेरिका की बहुत ज्यादा है, चीन की और रशिया की बहुत ज्यादा है, छोटे देशों की सीमित तो होती है, लेकिन सबको हाथ में हाथ मिलाकर काम करना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है। और थोड़ा सा आप ये देखें ना, तो ये समय जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसमें केवल आर्थिक चुनौतियां ही नहीं है, दुनिया के जो सामरिक समीकरण बन रहे हैं और परिवर्तित होने की लेवल पर पहुंच रहे हैं उसको भी चुनौती है। जो ग्लोबल ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना भी एक दुनिया के सामने जटिल चुनौती है। तो मल्टीपल, मतलब आप डिजीज को भी देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक क्राइसिस को भी देख रहे हैं, आप सामरिक क्राइसिस को देख रहे हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल चुनौतियां एक साथ आ रही हैं। तो इसको सॉल्व भी करना है, चीजों को मेंटेन भी करना है। और जहां तक अमेरिकन की बात करें हम, तो सबसे मुश्किल जो है ना, इस कड़वी गोली को खाना अमरीकियों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में एक आइडिया बना हुआ था कि उनका देश जो है वह सुपीरियर है। और इसी प्रकार का आइडिया जो था ना मिड 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन को भी था, लेकिन बाद में वह चेंज हुआ। अब आप ये देखिए कि अमेरिकन्स के पास कुछ चीजें हैं जिसको आइडिया को अटैच कर रखा है उन्होंने, जैसे वे मानते हैं कि लिंग्विस्टिक एक्सेसिबिलिटी के लिए इंग्लिश जो है वो बहुत अनिवार्य है दुनिया भर के लिए। उसी प्रकार से आर्थिक सिक्योरिटी के लिए, आर्थिक ट्रांजेक्शन्स के लिए जो उनका यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है वो बहुत अनिवार्य है। लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के वृद्धि के साथ और विस्तार के साथ चीजों में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। आप देखिए कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो लैंग्वेज की बाधाएं थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और आगे आप देखेंगे कि ये और तेजी से कम होती जाएगी। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि अब डिजिटल करेंसियों, खासतौर से जो बड़ा चैलेंज क्या बना है इसमें, डिजिटल युआन का आना, जो चाइना ने अपनी करेंसी को डिजिटल युआन में क्रिप्टो करेंसी के रूप में लाया। क्रिप्टो करेंसी तो बिटकॉइन भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन
चाइना एक दुनिया का पहला ऐसा बड़ा देश बना है जिसने अपनी केंद्रीय बैंक के माध्यम से खुद की डिजिटल करेंसी निकाली है, और न केवल निकाली है बल्कि उसको टेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन अभी तो वो डॉक्यूमेंट लाएगा उसका, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, वो बहुत पीछे रह गया है। चाइना चाहता है कि उसका जो ओलंपिक्स होगा उस बीजिंग ओलंपिक्स में उसको लॉन्च कर दे ग्लोबली, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो अमेरिका के सामने जो कि उनका डॉलर है, डॉलर की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय। और वास्तव बात तो यह है ना दोस्तों कि अमेरिका जितनी बड़ी सामरिक शक्ति है, जितने उसके हथियारों की वजह से वो ग्रेट है, उससे ज्यादा डॉलर की वजह से है और डॉलर की सुप्रीमेसी की वजह से है। इसीलिए चाइना जो है वो डिजिटल युआन लेकर आया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के समय जिसे अंग्रेजी की बाध्यता के ऊपर अमेरिका को इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के उद्गम के साथ अंग्रेजी की डिपेंडेंसी भी गिरती जा रही है, उसी प्रकार से डॉलर भी जो है ना वह एक तरह से जो इंश्योरेंस माना जाता था, इकोनॉमिक इंश्योरेंस, या फिर आप मान सकते थे कि इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह दूसरे देश उसको उपयोग करते थे, वह नहीं रहा है। अब यदि इन चीजों को मेंटेन करना है, और मैं बोलता हूं करना चाहिए, क्योंकि यदि चीन का उदय को रोकना है तो आपको डॉलर को और जो अमेरिकन सिस्टम चल रहा है उसको मेंटेन करना होगा। उसके लिए अमेरिका को बहुत कुछ करना होगा। और यूएस को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय जो डॉलर है चीनी युआन के कंपैरिजन में 3 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, जो ऑफशोर युआन है। इनशोर युआन और ऑफशोर युआन क्या होता है, जिस पर हम चाइनीज करेंसी डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन पे बात करेंगे, उस दिन हम उस पर चर्चा करेंगे अलग से कि ये ऑफशोर युआन और ये इनशोर युआन का कॉन्सेप्ट क्या है। जो ऑफशोर युआन है वो ट्रेंड कर रहा है आज के समय में लगभग 6.35 प्रति डॉलर के हिसाब से, और यह मई 2018 से में सबसे ज्यादा चेंज आया है। तो यूएस डॉलर सबसे नीचे जा रहा है पिछले 3 सालों में कंपेयर टू ऑफशोर चाइनीज युआन के हिसाब से। और उसका एक कारण यह भी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि उनको दिख रहा है कि चाइना कोविड-19 से उभर चुकी है, उसकी अर्थव्यवस्था वो जिस तरह से उभरी हो, चाहे किसने लाया, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा कि कोविड-19 के लिए चाइना और वुहान वायरस के लिए चाइना कितना रिस्पॉन्सिबल है या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कितना रिस्पॉन्सिबल है, मैं अभी केवल कूटनीतिक और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो यूएस से उठकर वहां इसलिए जा रहा है, उसको वहां सिक्योरिटी दिख रही है। हालांकि वो कितना सिक्योर है इसके विषय में मैं पहले बात कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि चाइना की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर कितना डेप्थ है, प्रतिशत के मान से कितना डेप्थ है चीन के ऊपर। फिर उसके अथवा चीन ने जो सोवरजिन बॉन्ड किसी जमाने में दिए थे उसका क्या किया, पूरी की पूरी एक अमेरिकन बॉन्ड एसोसिएशन है उनके साथ क्या हुआ है। ब्रिटेन में तो मार्गरेट थैचर ने किस तरह से वो निकाल लिया था जब हांगकांग को का हस्तांतरण हुआ था, वो सब बताया है, आप पीछे के वीडियोस में देख सकते हैं। तो जो डॉलर है ना वो अजय नहीं रहा है, और अजय कोई चीज दुनिया में होती भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के दिमाग में अमेरिकन के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा डॉलर और हमारी लैंग्वेज अजय है, तो उनको सतर्क रहना चाहिए। और हम ये बार बार क्यों बोलते हैं ये बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि चीन का उदय नहीं हो, चीन को कॉन्टेन किया जा सके रणनीति में भी, स्ट्रेटजी में भी, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में भी। अब ये बात ये है कि आप ही कहेंगे कि फिर डॉक्टर गुंडरेश का बात कर रहे हो, इसका उपाय क्या है। देखिए मेरी रिसर्च भी नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि मेरे विचार के हिसाब से जो उपाय होना चाहिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, तो अमेरिका को सबसे आसानी से यदि कुछ करना है तो जो G20 देशों का समूह है जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, उन पर टारगेट करें माइनस चाइना, क्योंकि चाइना भी उसमें आता है। तो चीन के अलावा जो G20 के देश बचते हैं, एक खुद अमेरिका हुआ, तो 18 जो देश बचते हैं उनके ऊपर टारगेट करें। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि G20 कंट्रीज की हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी की GDP का 85%
ग्लोबल जीडीपी का 85% यही G20 बनाते हैं, और 75% जो वर्ल्ड का ट्रेड है, दुनिया भर का व्यापार है, वह भी यहीं से होता है। अब इसमें यदि हम चाइना को माइनस कर लें तो चाइना की जो जीडीपी है वह ग्लोबल जीडीपी का लगभग 18% है और वर्ल्ड ट्रेड का 15% है। मतलब फिर भी आप बात करें तो इन्हीं 18 देशों में बात करते हैं, चाइना को G20 से निकाल दें और 18 नहीं 19 अमेरिका मिला लें, तो चीन को माइनस करने के बाद G20 के देशों की जो जीडीपी बनती है वह है 65 से 67% दुनिया भर की जो ग्लोबल जीडीपी है उसको ये ही देश कवर करते हैं, और दुनिया भर का जो 60% ट्रेड है वह भी G20 माइनस चाइना से होता है। तो आप देखिए कितना बड़ा समूह है, एक बार वापस मैं आंकड़े रिपीट कर रहा हूं, G20 माइनस चाइना जो है वो दुनिया के 65 से 67% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, और यही जो देश है अर्थात G20 माइनस चाइना वो वर्ल्ड ट्रेड के लगभग 60% को कवर करता है। अब इन देशों की यदि बात करें तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हो जाएगा, अमेरिका को इसके लिए हम्बल होना पड़ेगा, अमेरिका को विनम्र होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत से टेकल करना पड़ेगा। देखिए कुछ देशों के साथ तो सच में उसको विनम्र होना पड़ेगा, जैसे G20 कंट्रीज में अर्जेंटीना आ रहा है, तो अर्जेंटीना के साथ स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ यदि डील करोगे तो नहीं होगा, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स को हम्बल होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया मैनेज हो जाएगा उनसे, ब्राजील मैनेज हो जाएगा, कनाडा उनका ऑलरेडी मैनेज्ड है, यूरोपियन यूनियन को संभाल कर रखना होगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इतने सारे कंट्रीज हैं, सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। फिर हम नहीं बोले कि जो वो एक 1+16 प्लेटफॉर्म भी है जो चाइना ने बना रखा है, जो उसके अंदर करीब 10 ईयू के मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो ईयू को बहुत प्यार मोहब्बत से टेकल करना होगा, और वो ट्रंप की नीति से नहीं हो सकता कि ट्रंप जिस तरह से बिल्कुल कड़क सिंह बनके डील करते थे कि इतना पैसा दो वरना हम जर्मनी से ट्रूप्स उठा लेंगे, आप अपनी जो जीडीपी है उसका 2% डिफेंस पे नेटो में डालें, वैसा नहीं होगा। प्यार मोहब्बत से ही अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, एक बड़े समूह को टेकल करना होगा। फिर फ्रांस है, फ्रांस की हालांकि जो फॉरेन पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं सोवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी में विश्वास रखता है, लेकिन जब चाइना और रशिया वाला विषय आता है तो फ्रांस अमेरिका के साथ रहेगा, इसलिए मैनेज हो जाएगा वह भी, जर्मनी बहुत हद तक ये लोग मैनेज कर लेंगे। इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है G20 की, बहुत स्ट्रांग कंट्री है, इंडिया को भी बहुत प्यार से बिल्कुल विनम्र होके हम्बल होके ही अमेरिका को टैकल करना होगा। आप ये बातें करेंगे कि S-400 लोगे तो हम आप पे कड़ा सैंक्शन लगा देंगे, आपको हम वैक्सीन का कच्चा माल देने में अटक करेंगे, इस तरह से इंडिया के साथ नहीं चलेगा, आपके हम मेरिन टेरिटरीज जो है उसके अंदर बिना परमिशन के हमारी नेवी आ जाएगी, ये सब नहीं चलेगा। बहुत विनम्र होके भारत को भी टेकल करना पड़ेगा, तभी भारत अमेरिका के साथ रहेगा। इंडोनेशिया को भी प्यार मोहब्बत से करना होगा क्योंकि लेकिन इंडोनेशिया के भी संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं है, इसलिए आसानी से यह भी टेकल हो जाएगा। इटली, इटली को तो ब्रिटेन, ईयू और अमेरिका को भी प्यार से मैनेज करना होगा, लेकिन हो जाएगा। जापान मैनेज्ड है, कोई बड़ा विषय नहीं है। साउथ कोरिया मैनेज्ड है, कोई विषय नहीं है। मेक्सिको अमेरिका का नेबर है, उससे बाहर नहीं निकलेगा। रशिया के साथ तो अमेरिका को अपने सैंक्शन हटाने पड़ेंगे, वरना वो चीन की गोद में बैठा रहेगा, और चीन की गोद में बैठेगा वो तो फिर बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। तो G20 में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, अमेरिका को सबसे ज्यादा विनम्र बनना है तो वह रशिया के साथ होगा। सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरेबिया के साथ आप ये नहीं कर सकते कि मार मार के उसके ऊपर सैंक्शन लगा दो कि MBS ऐसे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा रहे हैं, इस प्रकार की बातें आप नहीं कर सकते। जब आपको जरूरत है उस समय आप उनके ऊपर जो आर्म्स की ट्रेड है उसको रोक दो, ये नहीं होता ऐसा। साउथ अफ्रीका, उसको भी आपको टिकल करना होगा, वो हो जाएगा। टर्की को मैनेज करना पड़ेगा अमेरिका को, उसके ऊपर आपने जो कार्सा सैंक्शन लगा रखे हैं उसको निकालना होगा, S-400 रशियन मिसाइल्स के नाम पर। यूके मैनेज्ड है, यूएस तो खुद ही है, तो मेरे हिसाब से G20 के देशों को विनम्रतापूर्वक यदि अमेरिका मैनेज कर ले तो डॉलर को बचा सकता है और चीन के चैलेंज से उभर सकता है। जय हिंद, जय भारत।